पबजी गेम दे लद्द शिकार नौजवान ने अपने ही मापियो नू तवे नाल कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता। तस्दीक इल्जाम इस नौजवान दे लग रहे ने। तस्दीक नौजवान की उम्र 26 साल दसी जा रही है, जिसका नाम अंकित है। जिसके उपर अपने ही मां प्यो नू तवे ते कुकर दे नाल कुट कुट के मारन दे इल्जाम लगे ने। दसिया जा रहा है कि उसके वालों अपने मां प्यो दे उपर कुकर ते तवे दे नाल वार किया गया ते कुकर इस कदर चपटा हो गया। उसने इस कदर अपने मां प्यो नू कुटिया के कुकर चपटा हो गया तो उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। मां को अस्पताल ले जाया गया जिसका कि उन्होंने मौत हो चुकी है। दसिए कि यह घटना झांसी की दसी जा रही है, जिथे कि यह घटना वापरी है। दसिया जा रहा है कि तीन भैनों का इकलौता भरा सी आरोपी, जो कि अपने मां प्यो के नाल घर इकला रह रहा है। दसिया जा रहा है कि वह काफी समय तो पबजी गेम खेडता हुंदा सी ते उहदे माता पिता दे वल्लों उसनूं इस गेम खेडण तो रोकिया जांदा सी। दसिया जा रहा है कि वह काफी समय तो पबजी गेम खेड रहा है, बीते 6 महीनों तो काफी डिस्टर्ब चल रहा है। अपने कमरे के ही रहा है तो उसे दसी कि आरोपी की भैन के वालों दसिया गया है कि उसके माता पिता उसे गेम खेडन तो रोकते सी। हो सकता है इस ही विवाद को लेकर उसके वालों अपने मां प्यो का कतल किया गया हो। उसका कहना है कि पहला भी उसके भरा वालों उसके मां प्यो कुटमार की गई सी। पहला भी उन्होंने कुटमार करता सी। पबजी गेम खेडन तो उसने रोकया जाता है तो काफी विवाद घर हुंदा सी। हो सकता है इसे ही विवाद के चलते उस वालों अपने मां प्यो नू मार दिता गया हो। दस्सिया कि इल्जाम उसके उपर नौजवान के उपर लगे ने। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नौजवान नू अपने मां प्यो नू मारन का कोई भी अफसोस नहीं है। जो पुलिस उसके घर पहुंचती है तो नौजवान घर के मंजे बैठा हुंदा है, घर के मंजे के उपर बैठा हुंदा है तो पुलिस नू वेख के हसन लग पैंदा। जिस तों बाद पुलिस उसनू पुछदी है, पुछगिछ करती है तो पहला नौजवान के वालों कुछ भी नहीं दसिया जाता, पर बाद उसके वालों दसिया गया कि उसके वालों ही अपने मां प्यो नू कुट कुट के मौत के घाट उतार दिता। उसे दसिया जा रहा है कि घटना का खुलासा उदो हुंदा है जदों नौजवान की जिहड़ी भैन है वह घर के कोल ही कितने व्याही हुई सी। उसके वालों अपने मां प्यो नू फोन किया जाता पर उसके मां प्यो फोन नहीं चकते। तो उसके वालों गुआंढियों के घर फोन किया जाता तो पता करने के लिए कहा जाता। तो जदों गुआंढी घर के पहुंचते हैं तो वेख के हैरान रह जाते हैं कि पिता की मृतक देह उत्थे कमरे दे विच पई हुंदी है ते मां तड़फदी हुई पई हुंदी है। उस तो बाद उन्होंने हस्पताल दाखिल करवाया जाता जिथे जाके उन्होंने मौत हो जाती है। तो दसदी कि मृतक व्यक्ति की पछाण लक्ष्मी प्रसाद दसी जा रही है ते मां दा नाम विमला देवी दसिया जा रहा है। दसिया जा रहा है कि लक्ष्मी प्रसाद एक स्कूल दे विच प्रिंसीपल दे तौर ते काम करदा सी ते उसे ही बेटे दे उपर इल्जाम लगे ने कि उसके वालों अपने मां प्यो नू कुट कुट के मौत दे घाट उतार दिता गया। तो दसदी कि झांसी की एक खबर है जिथे दसिया जा रहा है कि नौजवान मोबाइल रिपेलिंग का काम करता सी। पहला बतौर कंप्यूटर काम करता सीगा पर उस तों बाद कोविड के दौरान इसने अपनी नौकरी छड्ड दित्ती सी ते घर दे विच रह के मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा सी ते काफी समय तो मोबाइल गेम खेडता सी। तो दसिया जा रहा है उसकी भैन दे वल्लों कि मोबाइल गेम खेडन तो परिवार वल्लों उसनू रोकिया जांदा सी ते हो सकदा है इसे वल्लों इसे ही विवाद दे चलदे अपने मां प्यो नू मौत दे घाट उतार दिता होवे। दसे कि बेरहमी दे नाल मां प्यो दे कुट कुट के मौत दे घाट मां प्यो नू उतारिया गया है ते इल्जाम उन्होंने ही इकलौते बेटे के उपर लगे ने, जिसका नाम अंकित दसिया जा रहा है। तो उम्र उससे 26 साल है, जिसनों पुलिस के वालों हुण गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस मामले के पुलिस के वालों हुण उसके कोलों पुछगिछ की जा रही है। इस संबंधी होर खबरां देखने लिए देखते रहो पंजाब बुलेटिन।